हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं आपको ये बहुत ही सुंदर सा फ्लावर शेप में टेबल मैट बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, इसको मैंने 20 फंदे से बनाया है और इसमें मैंने दो कलर का यूज किया है। दो कलर यूज करने से देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये फ्लावर्स आमने सामने सेट हो गए हैं। आप इसको अगर मल्टी कलर में बनाना चाहो तो आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हो, और सिंगल कलर में बनाना चाहो तो सिंगल कलर में भी बना सकते हो। और दो कलर में तो आप देख सकते हो, ये मैंने इसको ऑलरेडी बना ही रखा है। तो फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत आसान है। ये मैंने 20 फंदे से बनाया है। 20 फंदे से ही मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको ये पूजा का आसन वगैरह बड़ा बनाना है 40 फंदे का, तो वो भी आप इसको 40 फंदे में भी इस डिजाइन को डाल सकते हो। और अगर चुन्नी या साड़ी से बनाना चाहो तो वो भी आप इसको बना सकते हो। और चुन्नी और साड़ी के फ्रेंड्स, मैंने डोरमेट अपने चैनल पे काफी सारी वीडियो अपलोड कर रखी हैं, आप जाके देख सकते हो। अगर आपको चुन्नी या साड़ी से कोई भी डोरमेट या टेबल मैट बनाना है या पूजा का आसन बनाना है, तो मैंने बहुत सारे डोरमेट डाल रखे हैं। तो देखिए डिजाइन को मैंने कैसे बनाया है। तो प्लीज वीडियो को आप एंड तक देखिए, और डिजाइन पसंद आए तो इस डिजाइन को लाइक कीजिए। तो देखते हैं डिजाइन मैंने कैसे बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने 8 नंबर की नीडल ली है, क्योंकि मैं इस ऊन को अब डबल करूंगी। ये मेरे पास पतली ऊन है। ये फ्रेंड्स मैंने सिंगल ऊन का बनाया है, मैं अब आपको डबल ऊन पे बताऊंगी। डबल ऊन से थोड़ा सा ये इसका स्टफ मोटा बनेगा। तो देखिए, आप यहाँ पे नोट लगा भी सकते हैं और नहीं भी, आपकी मर्जी है। मैं ऐसे भी फंदे डाल लेती हूँ। ये देखिए, ऐसे करेंगे और हम ऐसे फंदे इसमें डाल लेंगे। धागा ये मेरा 20 फंदे डालूंगी तो काफी लंबा हो गया। ये देखिए, छोटा रखूंगी। ये देखिए, हम ऐसे करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, ऐसे करेंगे और इसको ऐसे कर देंगे, दो ऐसे करेंगे। इसको आप ऐसे पकड़ लीजिए, एक बार ऊपर से डाला और एक बार ऐसे किया। ये बिगनर्स के लिए फ्रेंड्स मैं फंदे बता रही हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके के फंदे हैं। ये देखिए, ऐसे आप इसमें जितना भी आपको बड़ा बनाना है, 15-30 फंदे का बनाना है या 40 फंदे का बनाना है, 50 फंदे का बनाना है, आप ऐसे ही उसमें फंदे डाल लीजिए। तो मैं इसमें 20 फंदे ऐसे ही डाल लेती हूँ। ये देखिए, ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है, फिर मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। देखिए, 20 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और ये 10। 20 फंदे के डालने के बाद फ्रेंड्स, आपको देखिए, फर्स्ट वाला हम ऐसे ही उतार लेंगे, सेकंड वाला हम बनाएंगे, ये दो फंदे बनाएंगे, और यहाँ पे फ्रेंड्स, इस फंदे पे हम यहाँ पे एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे देखिए, इसको हम ऐसे बनाएंगे, एक फंदा हमारा ये यहाँ पे जाली भी नहीं डलेगी और हमारा फंदा भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। और ये सारे ही फंदे हम उल्टे उल्टे बना के इस रो को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वाली रो से ही हमने अपना डिजाइन स्टार्ट कर लिया है। और एक फंदा हम पीछे छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, मैंने इसमें 20 फंदे डाले हैं और ये जो बाहर का कट है, ये मेरा इतना बड़ा बना हुआ है। अगर आपको बड़ा बनाना है और इस कट को और बड़ा बनाना है, तो आप पीछे एक एक फंदा ही छोड़ दीजिए। और अगर आपको कट छोटा बनाना है, तो आप पीछे, जैसे मैंने एक फंदा छोड़ा है, आप यहाँ पे दो दो का पेड़ भी बना सकते हो, तीन तीन का पेड़ भी बना सकते हो। वो आपकी अपनी चॉइस है, आपको आगे कितना बड़ा कट देना है फ्लावर में, झालर में, उसी हिसाब से आप पीछे फंदे छोड़ लीजिए। बनाने का तरीका सेम है, सेम डिजाइन बनेगा, फंदे आप उसी हिसाब से इसमें डिवाइड कर लीजिए।
एक फंदा हमने पीछे छोड़ दिया, दोनों साइड से हमने इसको उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये हमारा बड़ा हुआ फंदा था, तो इसको भी हम ऐसे बना लेंगे, ये भी बना लेंगे। और किनारे का फंदा फ्रेंड्स हम ऐसे करके थ्रेड पीछे करके इसको हम सीधा बनाएंगे। अब आप एक बार और देख लीजिए, इसको ऐसे ही उतारेंगे, एक साइड से बनाएंगे, एक साइड से ऐसे ही उतारेंगे। ये दो हमने दो ही बनाने हैं, तीसरे पे हमने जाली डालनी है। ये देखिए, हम इसको ऐसे बना लेंगे। यहाँ पे हमारा एक फंदा और बढ़ गया, और ये जो पिछली बार का था उसको हम इस साइड में हमारा वो मिक्स हो जाएगा। दो बना के और तीसरे पे आपने फंदा बढ़ाना है। तो 20 फंदे फ्रेंड्स हमारे, पहले मैं आपको 10 फंदे का बताऊंगी, 10 फंदे का फिर मैं बाद में बताऊंगी। देखिए, पीछे हम एक फंदा छोड़ देंगे, एक हमने पहले छोड़ा था, एक हम इस बार छोड़ देंगे। और यहां से देखिए, आपको इसको ऐसे उतारना, फर्स्ट वाले को बनाना नहीं है, और इसको हम बना लेंगे। एक बार और देख लीजिए, सेम बनेगा। मैं इसमें पहले 10 फंदे का बताऊंगी मैं आपको, ये देखिए, यहां से आप इसको, ये हमारा बड़ा हुआ फंदा था, इसको भी हम बना लेंगे उल्टा ही, इसको भी उल्टा बनाएंगे, किनारे वाले को हम सीधा बनाएंगे। ये छोटी छोटी चीजों का फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए। ये देखिए, फिर से हम अपना यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे, एक बार और देख लीजिए, थ्रेड को पीछे करेंगे और पीछे से हम इसको ऐसे बना लेंगे। फंदा हमारा बढ़ गया, ये तीसरा फंदा बढ़ गया, और तीसरा ये फंदा मैं यहाँ पे पीछे छोड़ दूंगी। तो पहले मैं फ्रेंड्स 10 फंदे का आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। ये देखिए, 9 फंदे मैंने, ये आप देख सकते हो, एक अलग अलग दिखाई देंगे, 9 फंदे मैंने यहाँ तक ये छोड़ दिए हैं। 10वां फंदा मैं अब छोड़ दूंगी फ्रेंड्स, और 9 फंदे ही मेरे यहाँ पे बढ़ गए हैं। और देखिए, ये हमारी ऐसी शेप बन गई है। तो हम 10वां फंदा अब बढ़ाएंगे और 10वां फंदा ही पीछे छोड़ेंगे। दो बनाया, थ्रेड पीछे किया, यहाँ पे हम फिर से अपना एक 10वां फंदा मैंने ये बढ़ा लिया। थोड़ा सा आप फ्लावर में अगली रो से फ्रेंड्स चेंज आएगा। ये 10वां फंदा मैंने इसलिए आपको दोबारा बताया, जैसे नीचे बढ़ाए थे ऐसे ही ये 10वां फंदा बढ़ाया है। अब इसकी हम झालर बनाएंगे। कई बार फ्रेंड्स बिगनर्स होते हैं तो उनको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने ये 10वां फंदा दिखाया है। ये देखिए, 4 और ये 4, 8 और ये 10, 10 फंदे छूट गए, 10 फंदे हमारे बढ़ गए, और ये हमारे बढ़े हुए 10 फंदे हैं, और ये बीच के 10 फंदे जो हमने 20 फंदे डाले थे 10 घटा दिए, 10 ये हमारे बचे हुए हैं। इनका अब क्या करना है वो मैं आपको ऊपर बताऊंगी। झालर आपको फ्रेंड्स जितनी बड़ी बनानी है, आप जितने आपने फंदे बढ़ाने हैं उसी हिसाब से आप यहाँ पे फंदे डिवाइड कर लीजिए। 40 फंदे का बनाना है, झालर छोटी बनानी है तो पीछे आप दो दो फंदे छोड़ दोगे, तो 20 फंदे जब आप छोड़ोगे तो आपके इधर 10 फंदे बढ़ जाएंगे। और आपको अगर बड़ी बनानी है तो आप बड़ी भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी च्वाइस है। ये देखिए, किनारे वाले को सीधा बनाने से फ्रेंड्स ये ऐसे हमारे बहुत ही प्यारी सी एक किनारी बनेगी। अब देखिए, 10 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ गए हैं, इनको अब हम वाइंड ऑफ करेंगे, बंद कर देंगे। तो दो फंदे का एक किया, ध्यान से देखिए, वापस निडल में डाल लेंगे, फिर से दो का एक कर देंगे, दो
ये तीसरा हमने घटा दिया, ये फ्रेंड्स हमने चौथा घटा दिया, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां और ये दसवां। ये देखिए, फिर भी एक बार आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये एक, ये और एक ये 10। 20 फंदे फ्रेंड्स मेरे पास वापस बच गए हैं। अब हम क्या करेंगे, किनारे वाले को तो ऐसे ही बना लेंगे, ये एक फंदा हम और बनाएंगे और यहीं से अपना एक फंदा हम और बढ़ा लेंगे। दोबारा से हमारी झालर बननी स्टार्ट हो गई, क्योंकि फ्रेंड जब हमारी ये एक कली बन के कम्प्लीट होगी तब हमारे यहाँ पे झालर के दो कट आएंगे। तो देखिए, एक फंदा हमने बढ़ा लिया, अब हम 11वां फंदा छोड़ देंगे। 10 पहले ही छोड़ चुके हम, अब हम 11वां फंदा ये वाला हम छोड़ देंगे। और ये बीच के जो फ्रेंड्स हमारे ये बढ़ा हुआ एक फंदा छोड़ के, ये 10 फंदे हैं, इनको भी अब हम एक एक करके ऐसे ही छोड़ देंगे। आप एक बार और देख लीजिए, फिर मैं इसको ये सारे ही फंदे छोड़ के फिर मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। और इस जाली वाले को भी हम बड़े हुए फंदे को उल्टा ही बनाएंगे, किनारे वाले को आपने हमेशा ऐसे सीधा बनाना है। अब आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने बंद किए हैं फंदे, इनकी भी ऐसी ही एक चोटी जैसी शेप आई है, और ये जो हमने ऐसे बनाया है इसकी भी ऐसी ही शेप आई है। तो बहुत ही सफाई के साथ बनेगा। छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखिए। इस साइड से ऐसे उतारेंगे, हम एक और बना लेंगे। आप ये फ्रेंड्स 3 फंदे पे भी फंदा बढ़ा सकते हैं, 4 पे भी बढ़ा सकते हैं, वो आपकी अपनी च्वाइस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजाइन ऐसे ही डलेगा। ये देखिए, एक फंदा हमने बढ़ा लिया, 2 फंदे हमारे बढ़ गए और 12वां फंदा फ्रेंड्स मैं छोड़ दूंगी। 8 फंदे हमने बढ़ाने हैं और 8 फंदे ही हमने पीछे छोड़ने हैं। तो मैं इसको, ये देखिए, ये 2 और ये हमारे 8 फंदे पीछे के हैं, इनको भी मैं एक एक करके ऐसे ही छोड़ दूंगी, फिर मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके मैंने ये इसमें ऊपर, ये आप देख सकते हैं, 19 फंदे छोड़ दिए। 20वां फंदा मैं छोड़ दूंगी और एक फंदा मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगी। ये देखिए, लाइट कलर पे मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आपको बिल्कुल ही ये क्लियर समझ में आ जाए। तो देखिए, ये देखिए, हमारा ये दूसरा कट भी बन के तैयार हो गया। तो एक बार लास्ट वाला फंदा हम और बढ़ाएंगे, थ्रेड को पीछे करेंगे और ये देखिए, ये हमने अपना 10वां फंदा बढ़ा लिया। अब ये देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और ये एक फंदा हम पीछे छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ये हमारे बड़े हुए फंदे हैं और ये 20 फंदे हमने जो डाले थे, ये देखिए अलग अलग हैं, अब आपको दिखाई देंगे। ये हमने एक एक करके सारे ही छोड़ दिए हैं। कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई, 2 ये झालर के फ्रेंड्स हमारे डिजाइन इसमें बन गए। ये देखिए, किनारे वाले को हम, इसको आपने हमेशा ही सीधा बनाना है। अब फिर से हम जैसे हमने नीचे किया था ऐसे ही हम 10 फंदे घटा देंगे। 2 का 1 किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। जितने फ्रेंड्स आप फंदे बढ़ाओ उतने ही फंदे आपने घटाने हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बना हुआ है और ये सारे ही फंदे अब हम जो हमने छोड़ रखे हैं इस रो में, हम सारे ही फंदे बना लेंगे।
20 फंदे डाले थे, तो 20 फंदे में सारे एंड तक नीचे तक बना लूंगी। और अगर फ्रेंड्स आपको ये सिंगल कलर में बनाना है तो आप इसी कलर से एक रो उल्टी साइड से बना के सीधी साइड से फिर से आप कली की स्टार्टिंग कर दीजिए। और अगर आपको इसमें सेकंड कलर लगाना है तो आप बैक साइड से, अभी मैं आपको बताऊंगी हमने कैसे लगाना है, तो आप सेकंड कलर इसमें लगा लीजिए। ये अब हमारी सारे फंदे बनाने के बाद ये कंप्लीट हो गई, ये देख सकते हो आप। अब हमने जब भी कलर लगाएंगे तो हम यहाँ से लगाएंगे, वो भी आप एक बार देख लीजिए। इसकी आप यहाँ पे नोट लगा लीजिए, मैं आपको ऐसे ही इसको बता रही हूँ। या आप इसको ऐसे ही थोड़ा सा अंदर दबा लीजिए, ये देखिए, और फिर आप इसको, ये ऐसे भी पक्का हो जाएगा, बाद में आप इसको काट दीजिए। ये देखिए सारे ही फंदे हम बना लेंगे। सेकंड कलर हमने इसमें ऐड कर लिया है। दूसरी कली की आपको फ्रेंड्स स्टार्टिंग करके देंगे मैं, ताकि आप इसको आसानी से बना लो, कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए इसको हम इस बार ऐसे उल्टा ही बनाएंगे क्योंकि हमने इसमें कलर लगाया है। ये देखिए सेकंड कलर इसमें हमने लगा लिया फ्रेंड्स। अब देखिए दो हम बनाएंगे, थ्रेड को पीछे करेंगे, एक फंदा हम यहाँ से फिर से बढ़ा लेंगे। दूसरी झालर हमने स्टार्ट कर दी है जैसे हमने नीचे की थी, सेम तरीका है बनाने का। एक हमने इस साइड बढ़ा लिया फ्रेंड्स और एक हम पीछे छोड़ देंगे। एक एक करके हम 10 फंदे छोड़ देंगे, 10 फंदे छोड़ देंगे फ्रेंड्स, और 10 फंदे ही हमारे बढ़ जाएंगे। बड़े हुए फंदे को फिर हम बंद कर देंगे और उसी लाइन में दो फंदे बनाने के बाद हम दूसरी झालर स्टार्ट कर देंगे और 11वां फंदा पीछे छोड़ देंगे। और जब वो 10 फंदे भी आगे के छोड़ देंगे तो फिर से हम एक बार सारे फंदे बंद कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसकी शेप आएगी। और फ्रेंड्स जब आप बनाओगे लगातार तो ये ऐसे बनेगा। ये देखिए 6 फ्लावर इसमें बने हुए हैं, ये आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स जब भी आप बनाओ इसको, एंड में जब ये आपका फ्लावर बंद हो तो दूसरे कलर का, अगर दो कलर से बनाओ तो दूसरे कलर का फ्लावर अपने आप ही सेट हो जाएगा। फिर सारे ये फंदे जितने भी आपने डाल रखे हैं, जैसे हमने यहाँ से बंद किए हैं, ऐसे ही ये आप बंद कर लीजिए, तो बहुत ही सुंदर सा ये प्यारा सा आपका फ्लावर बन के कम्प्लीट होगा। और अगर बीच में आपने कोई फ्लावर वगैरह यहाँ पे लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको डिजाइन कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ। थैंक यू।